थानाकांट अंतर्गत डेरा में रहने वाली राकेश देवी पत्नी महेश कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायती पत्र देकर अपने सगे संबंधियों के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाया है और क्षेत्रीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ कार्यवाही की मांग की है। शिकायती पत्र के माध्यम से थानाकांट के ग्राम डेरा निवासी राकेश देवी ने अपने पड़ोस में रहने वाले सगे संबंधियों पर आरोप लगाया है कि वह विगत दिनों नल से पानी भर रही थी तो उसके जेठ द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई। छेड़खानी होने पर जब शोर मचाया गया तो जेठ के परिवार वाले लाठी डंडे लेकर आ गए और जबरन मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे वहाँ से भगा दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही न करते हुए पुलिस ने महिला को धमकाकर भगा दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। इस बात से परेशान होकर वह एसएसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंची और कार्यवाही की मांग की है। क्या हुआ आपके साथ क्या पे? चौकी वाले घूम घाम कर चले गए, फिर बाद में फिर मार तोड़ करी हमारे साथ में। फिर हमने 100 नंबर बुलाया, 100 नंबर भी भूल कर चले गए, फिर दीवारा मार पीट करी हमारे साथ में, जब काट खाने गए। कौन वो जो ने मारपीट करी है? लोग आपके कौन परिवार में है? कौन है? में गेट लगते हैं वो हमारे। अच्छा, क्या झगड़ा है उनका? झगड़ा नहीं, आप साथ ही मारपीट करते हैं। कोई वजह तो होगी? जमीन की जायदाद की? आए दिन आता हमको चढ़ाई करते हैं। कितने दिन हो गए इस बात को? करते हुए तो लगभग 1-1.5 महीने हो गया। तो कहाँ पे आई आप इस टाइम? तो क्या कहा उन्होंने? अच्छा, हुआ है क्या समस्या आपकी? सर उस समय सर मैं अपने कॉलेज में था, इंटर हाई स्कूल की परीक्षा चल रही है, मेरे घर में अंदर घुस के मेरे बच्चों के साथ मारपीट करी उन लोगों ने। कौन लोग हो? सर मेरा सगा भाई है वो। क्या नाम उनके? राजेश कुमार, सन ऑफ भसीका सिंह है। मेरे बच्चों ने रात को मुझको कॉल करा, मैं कॉलेज छोड़ कर नहीं आ सका था। जी सर, मैंने अपने बच्चों को थाने भेजा, चौकी भेजा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो कहाँ पाए आप लोग, कहाँ पे आए हैं आप लोग? इस समय सर हम मुरादाबाद आए हैं मंडल में प्राथमिक शिकायत दर्ज कराने के लिए। अच्छा जी सर। और सर कितनी बार उन्होंने हमला बोल दिया मारने के लिए, जब मैं ड्यूटी से निकलता हूँ मुझे भी घेरते हैं वो रात दिन। तो क्या वजह है क्यों घेरते हैं? हमारे सर कोई भी झगड़ा नहीं है, आपस में व्यवस्थित मारना चाहते हैं, हमारा मकान छीनना चाहते हैं वो, मम्मी पापा को मार दिया उन्होंने,